नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली 28 विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे देवास जिले की हाट पिपल्या विधानसभा सीट की। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस सीट का सियासी हाल। हाट पिपल्या विधानसभा सीट। हाट पिपलिया देवास जिले की विधानसभा सीट है। यह विधानसभा सीट साल 1977 में अस्तित्व में आई थी। मनोज चौधरी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। मनोज चौधरी कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी के उम्मीदवार है। कांग्रेस ने चौधरी के खिलाफ राजवीर सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। यहाँ साल 2013 में बीजेपी के दीपक कैलाश जोशी चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बघेल को चुनाव हराया था, लेकिन साल 2018 में बीजेपी के दीपक कैलाश जोशी चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के युवा प्रत्याशी मनोज चौधरी ने चुनाव में मात दी थी। साल 2018 के चुनाव में तो यहां खास जातिवाद नहीं चल पाया, लेकिन पिछले 9 विधानसभा चुनावों में यहां कुछ खास जातियों का प्रभाव रहा। यहां पर ज्यादातर राजपूत, सैंधव और ब्राह्मण समुदाय का ही कब्जा रहा है। पहले 2 चुनावों में जागीरदार परिवार के तेज सिंह सैंधव विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन साल 1985 के चुनाव में राजपूत राजेंद्र सिंह बघेल ने उन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद बघेल और सैंधव की प्रतिद्वंदिता 1998 के विधानसभा चुनाव तक चली। साल 1990 और 1998 में सैंधव जीते, तो वर्ष 1993 और 2003 में बघेल को जीत हासिल हुई। साल 2003 में बीजेपी ने शिशु मंदिर के प्राचार्य राय सिंह सैंधव को टिकट दिया था, लेकिन वे बघेल से चुनाव हार गए। बागली विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित होने के बाद पूर्व तकनीकी एवं स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने हाट पिपलिया का रुख किया और साल 2008 और 13 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मात दी। साल 2018 के चुनाव में सिंधिया ने अपने समर्थक मनोज चौधरी को टिकट दिलवाया और उनके पक्ष में सभा भी संबोधित की। नतीजा, दीपक जोशी को हार का सामना करना पड़ा। हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। स्थानीय लोगों में हाट पिपलिया से नेवरी तक की सड़क को लेकर खासी नाराजगी है। हर चुनाव में ये सड़क मुद्दा बनती है, फिर भी जीतने वाला नेता इसे बनवा नहीं पाता। मनोज चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है। कुछ लोगों की माने तो चुनाव शिवराज और कमलनाथ के चेहरे पर होंगे। शिवराज को अभी भी स्थानीय लोग पसंद करते हैं। वहीं मनोज चौधरी जातिगत समीकरण जुटाने के लिए सक्रिय हैं। राजवीर सिंह बघेल भी अपने पूर्व विधायक पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हाट पिपल्या विधानसभा सीट को लेकर उस क्षेत्र के लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। कुछ किसान कर्ज माफी पर कांग्रेस नाखुश नजर आए, तो वहीं कुछ मनोज चौधरी के पाला बदलने पर भी शिवराज के चेहरे के कारण मनोज का साथ देने का मन बना चुके हैं। स्थानीय स्तर पर महिला सड़क की माली हालात को लेकर नाखुश नजर आईं और नेताओं का साथ नहीं देने की बात करते नजर आईं। लेकिन जैसे ही शिवराज ने महिलाओं के लिए क्या किया ये सवाल पूछा गया, तो इस महिला ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। संगीता, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं देवास रहती हूँ, हाट पिपलिया गई थी काम से। 8 दिन में 15 दिन में मेरा आना जाना लगा रहता है। ये रोड इतना खराब है, अभी 8 दिन पहले गई इधर से निकली थी मैं, तो एक का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी से गिर ही गया था वो, उसका सीरी फट गया था। फिर आगे जाते ना एक और ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ। इतना खराब रोड है, ये रोड का सुधार ही नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए इसको देखते देखते। मेरे को तो मेरी मतलब बचपन से बूढ़ी होने वाली हूँ मैं, जब से ही ऐसा है ये सुधरा ही नहीं है। कभी यहाँ का सुधर जाएगा तो नेवरी का खराब हो जाएगा, नेवरी का अगर सुधर गया तो ये खराब हो जाएगा,
ऐसा है। अब कब से काम लगाया है, कम से कम साल भर हो गया है, अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोड़े ही रोड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इधर हाटपिपलिया से आ रही है, यहाँ पर चुनाव भी है, आपको क्या कमलनाथ या शिवराज कौन बेटर है, अच्छा काम करने वाला कौन ठीक है? अब ये तो देखो, सरकार तो शिवराज की भी इतने दिन से चल रही, कुछ नहीं हुआ है। कमलनाथ की भी आई थी, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँ, ना शिवराज के लिए ना कमलनाथ। मतलब कोई तो होगा जो काम करता होगा आप? मेरे लिए तो कोई ने भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। रोड सुधार देंगे तो बोल देंगे हाँ। कि लेकिन महिलाओं के लिए काम किसने किया? महिलाओं के लिए तो शिवराज चौहान ने करा, बहुत सुविधा करी उनने। ये तो मानना पड़ेगा कि जो लड़कियों बाप माँ मार देते थे उनको बचाना शिवराज चौहान ने करा है। औरत के मामले में बहुत अच्छे हैं वो, और उनके बराबर कोई है ही नहीं, और कभी आएगा भी नहीं उनके बराबर, इतने अच्छे हैं वो। इतने अच्छे हैं शिवराज सिंह चौहान, सुना आपने इस महिला को। बात आगे बढ़ाएं, अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने हाट पिपलिया के किसानों और ग्रामीण जनों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। हम इस वक्त मौजूद है हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अरलावदा में। यहाँ पर ग्रामीण जन बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ पर उपचुनाव होना है आपके क्षेत्र में, एक कांग्रेस के विधायक थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, क्या मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में? वैसे इनने भी जनता के साथ धोखा तो किया। अच्छा, क्या जनता के साथ धोखा तो किया इन्होंने, इनको मार तो पड़ेगी। तो ये क्या समस्या आपके क्षेत्र, क्या विकास, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो जो है रोड वाला है। हाँ। दूसरा जो है हमारे यहाँ गांव में जो है फसल 2-3 साल से बिगड़ रही, ना उनका बीमा आ रहा, 3 गांव छूट रहे हैं, अभी 18 का भी नहीं आया, पड़ोस में हमारे गांव में आया, 19 का भी नहीं आया, और अब 20 का क्या विश्वास रखते हैं, आए कि नहीं आए। अच्छा, तो आप कमलनाथ या शिवराज किसको पसंद करते हैं? वैसे तो दोनों जो है, अब वैसे बहिष्कार तो दो ही का है, कहें कमलनाथ ने भी जो है कुछ पैसे जमा हुए, कुछ हुए नहीं तो वो परेशान हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कमलनाथ और शिवराज में से चुनना हो तो किसको चुनोगे? नहीं, वैसे तो कमलनाथ को चुनेंगे। अच्छा, और है हमारे साथ, क्या नाम आपका? बालाराम। क्या नाम आपका? ज्ञानूराम। क्या उपचुनाव होना है, क्या मुद्दे हैं? आप यहाँ पर, आपकी दुकान भी है सामने, सड़क को लेकर भी आप चर्चा कर रहे थे। सड़क का तो क्या साहब, सड़क तो बननी थी, बनना ही था सड़क तो, पर वो क्या है कि आग ये राष्ट्रीय राजमार्ग में हो गई। अच्छा। इसके कारण से ये इसका काम नहीं, रोक दिया था कि भैया राष्ट्रीय राजमार्ग में होगी तो ये केंद्र सरकार के अधीन है। हाँ। इसके कारण दीपक भैया नहीं बनी। हाँ। क्या तो उनको तो इसके कारण किसान आंदोलन के कारण उनको हरा दिया। बाकी जो कांग्रेस ने है, कांग्रेस ने तो जब उनने कर्ज माफी का वादा करा था तो क्यों नहीं पूरा करा? हम तो पहली बात तो ये है, किसान को तो कर दिया नुकसान फोकट में, अभी सबके खाते बिगड़ गए हैं। अब मान लो कोई का खाद बीज नहीं मिल रहा है, सब किसान परेशान है आज। तो कमलनाथ या शिवराज? नहीं, शिवराज है, शिवराज ने तो आज 15 साल से राज करा, अच्छा काम करा किसान के साथ में। अच्छा। और उसकी शिवराज को ही चाहेंगे हम तो। 40 साल या 50 साल हमारे कांग्रेस में जो संपत्ति रखी थी, या अपने बाप दादा ने 50 बीघा रखी, तो उसको जो है बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए? मोदी सरकार घटा रहा है, अभी जनता को सोचनी पड़ी, 5 साल बाद पड़ेगा। ये रेलवे जो है ये प्राइवेट में बेच दी है, अभी सभी को नहीं मालूम है। ऐसी चीज़ों जो है, जो प्रॉपर्टी बाप दादा घाट की थी उसको बहुत सारी बेच दी है मोदी जी ने। चाचा आप बताओ, क्या नाम आपका? मुबारक खां। क्या किस कैसे वोट देंगे, क्या मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट करेंगे? मुद्दे ये है साहब कि ये मनोज चौधरी जो विधायक था, कांग्रेस ने उसको जिताया, जबकि कांकड़वासी हमारा दीपक जोशी को हरवाया हमने, और दीपक भैया हारने के बाद उन्होंने कहा ये कुछ उद्धार करेंगे मनोज भैया, तो मनोज भैया ने तो उल्टा मतलब रुपये लेके और घर में चले गए। नहीं, कमलनाथ, 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 ठीक है ना। आप
बीजेपी का गमछा डाले हैं बीजेपी नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, गमछा तो हमेशा डालते हैं। कार्यकर्ता है बीजेपी के? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम तो वोटर ही है। हम तो कमलनाथ या शिवराज? हम तो कमलनाथ को चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत 50,000 तक भी माफ़ की है और बहुत सारे 1 लाख तक भी माफ़ की है। बिजली का बिल अदा कर दिया, कुआ का बिल अदा किया, तो हम तो कमलनाथ को चाहते हैं। दादा क्या नाम आपका? रामायण जी। कमलनाथ या शिवराज किसने अच्छा काम किया है? कमलनाथ। कमलनाथ ने? हाँ, मार सुना नहीं जाता। अच्छा नहीं, हाँ। कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय है, लोग हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन है। मोहन नाम है। मोहन जी, कमलनाथ या शिवराज? कमलनाथ जी। कमलनाथ, ठीक है। क्या मुद्दे होंगे? अरे जो उदाहरण ने जो बोला करता था, तो बोले ये वादा हमारा पूरा नहीं कराया इनने। कमलनाथ जी ने जो आश्वासन दिया था अपने को कि हम ये पैसे देंगे, किसान तो बिल्कुल परेशान हो गया ना। अब सोसाइटी भरी हमने, तो पैसे हमने पहले लिए हमसे कि 5,000 रुपये पहले जमा करवाओ, और ये मुद्दे था जो वादा करा हमने पूरा करा नहीं। बस ये बात है और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है और इस वक्त हम मौजूद हैं देवास जिले की हाटपिपलिया सीट पर। आप देख सकते हैं ये देवास जिले की हाटपिपलिया सीट का नज़ारा है। लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, खरीदारी कर रहे हैं अलग अलग तरह से, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिनचर्या जो है वो पटरी पर आ गई है। दादा यहाँ पर उपचुनाव होना है। क्या नाम आपका? दयाराम। क्या यहाँ उपचुनाव होना है आपके लिए, कमलनाथ या शिवराज? शिवराज। क्यों? ठेर से शिवराज में ही है, है? शिवराज काम अच्छा करते हैं। क्या किया है? ये खेती में बोनस दे देते हैं और काम भी, सड़क भी बनी है हमारे तरफ, ये काम करते हैं। कौन से गांव से आप? दिगोद। अच्छा, देखिए आप और हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा कहां से हो आप? यहीं हाटपिपलिया। अच्छा, आप ये बताओ इस सीट पर उपचुनाव होना है तो कमलनाथ या शिवराज? शिवराज। क्यों? वो है हमारा, वो मुख्यमंत्री है। तो कुछ तो किया होगा शिवराज? का बहुत कुछ किया उनने तो। जैसे? अरे प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया उनने तो, कहने का मतलब सभी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ सर। तो कमलनाथ ने 15 महीने भी तो काम किया मुख्यमंत्री के तौर। क्या क्या कुछ नहीं किया सर, 15 महीने में क्या किया बताओ मेरे को। अब आपका यहाँ जो विधायक था ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में? हाँ तो क्या करो, हम तो पार्टी को देख के देंगे उसको वोट। और कुछ लोगों से बात करते हैं, आपके क्षेत्र में उपचुनाव होना है। हाँ सर। कमलनाथ या शिवराज? शिवराज। क्यों? वो तो हमें किसानों का ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखा आप रखते हैं कुछ मुआवजा? मेरा नाम गणेश कारपेंटर। अच्छा, यहीं से कहाँ? हाँ मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, तो क्या ध्यान रखा है ऐसा बताओ? कुछ वो मुआवजा वगैरह भी देते हैं और अपने ये जो ऋण वगैरह रहते हैं उसमें भी छूट देते हैं। क्या हम और कुछ किसान लोग हैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। पटेल कृषि सेवा केंद्र, मतलब सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम आपका? जीवन सिंह पटेल। जीवन सिंह जी, आपके क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव होना है, क्या मुद्दे देखते हैं आप क्षेत्र के बीच में? रोड है, दूसरा जो अभी फसल के बारे में जो है उसके बारे में भी ये मुद्दे रहेंगे। सीसाट मतलब कमलनाथ या शिवराज? वो तो शिवराज। क्यों? किसान के हक में अच्छा है। तो ऐसे क्या काम किया है करते आए 15 साल जो किसान के बारे में जो चल रहा है वो किसान के लिए अच्छा है। 15 महीने कमलनाथ जी की भी सरकार में कुछ नहीं रहा, कुछ मिले ही नहीं। आपका विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया, तो वो कई कारण बस से आ गए और क्या, बीजेपी में कमी के लिए आए। अच्छा, और हमारे साथ में दादा आप किसानी करते हैं। क्या नाम आपका? गुलाब सिंह पटेल, बिजू खेड़ा। अच्छा, तो क्या मुद्दे आप देखते हैं इस उपचुनाव में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं पर जो काम करेगा वही अच्छा रहेगा। तो आपके लिए कमलनाथ या शिवराज? शिवराज ही है अपने लिए। क्यों? अच्छा काम करता है वो, किसान के हित में है। वो झूठ बोल के 10 दिन का वादा करके किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया कमलनाथ ने? नहीं हुआ। कितना था कर्जा आपका? अरे 2 लाख। 2 लाख का तो सर्टिफिकेट मिला? नहीं मिला। सर्टिफिकेट भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, ना ब्याज दंड ब्याज चढ़ा दिया उस पर। लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद खाद बीज मिला था आपको? नहीं मिला। सोसाइटी से? कुछ भी नहीं मिला। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह।
क्या लगता है आपको इस उपचुनाव होना है आपकी विधानसभा क्षेत्र में? 15 महीने, 2 साल पहले ही आपने वोट दिया था, फिर विधायक को चुनना है? फिर चुनेंगे ना सर। कमलनाथ या शिवराज? शिवराज को चुनेंगे। शिवराज क्यों? वो अब हमारे साथ धोखा किया, हमको 1,19,000 खाते में थे। हाँ। वो हमको ना तो प्रमाण पत्र दिया ना माफ हुए, और उल्टा हमको 83,000 ब्याज भरना पड़ा 15 महीने का। कितना कर्जा था आप पर? 1,19,000। और आपने 1,19,000 था भरा कितना बैंक में? बैंक में 52,000 रुपये ब्याज भर दिया हमने। अच्छा। वो ब्याज ब्याज के कारण माफ के कारण हमने भरा नहीं था वो। फिर ब्याज पर दंड? ब्याज नहीं, ब्याज भरा नहीं। ब्याज भरा? हाँ, 15 महीने का ब्याज लिया हमसे सोसाइटी ने। लेकिन कर्जा माफ करने का दावा किया था? हाँ, नहीं करा, नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये हाटपिपलिया विधानसभा और उसके आसपास की तस्वीर है। जो लोग यहाँ पर हैं, खासतौर पर किसान, हम यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि जो जनता है, किसान यहाँ पर बैठे हुए थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि 15 महीने में कमलनाथ ने हालांकि काम किया है, लेकिन शिवराज को ये यहाँ पर लोग चुनना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ और लोग भी हैं, हम बात करते हैं। जनादेश किसे मिलेगा ये तो वक्त के साथ तय होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम साधु भाई बोड़ा। अच्छा, क्या आपके क्षेत्र में उपचुनाव होना है? आपका एक यहाँ से जो कांग्रेस का विधायक चुना था वो बीजेपी में अब चला गया है, क्या मुद्दे आप देखते हैं, किस आधार पर वोट देंगे? वो तो समय पे देखा जाएगा, बाकी मेरा बिल अभी बहुत आ रहा है। 1,500 रुपये बिल का आया, 200 रुपये का, 85 रुपये का बिल था, जो 1,500-1,100 रुपये बिल। शिकायत की? हम शिकायत जानते नहीं है। आप बिजली ऑफिस गए? बिजली ऑफिस गए तो पूरा बिल भरना पड़ेगा। अच्छा, तो पूरा ही बिल भर के आया तो कहाँ से ला के देंगे? तो आप किसको देखते हो, आप कमलनाथ या शिवराज? जो बिल कम करेगा, बिल जो 85 रुपये 80 रुपये लगते हैं उनको देंगे। अच्छा, ये क्लियर बात है। और देखिए, अब बात करने की कोशिश करते हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सहयोगी कैमरामैन को बोलूँगा, सर आपके क्षेत्र में उपचुनाव होना है, यहाँ से एक जो विधायक थे वो बीजेपी में चले गए हैं, क्या आप किस आधार पर आप वोट देंगे क्षेत्र में, क्योंकि 2 साल बाद फिर चुनाव आ गए हैं? सर हम तो सर वैसे तो जो पार्टी है तो टाइम पर देखेंगे सर, जैसा भी होगा अभी तो बता नहीं सकता। तो क्या आपके लिए कमलनाथ या शिवराज? देखो सर, अभी जैसा अब मुद्दे क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं उसके हिसाब से अभी तो कुछ बोल नहीं सकते सर, अभी कुछ समय आने पर फैसला लेंगे। बिल्कुल, आम जनता की जो राय है वो ये साफ तौर पर है कि कुछ लोग शिवराज के पक्ष में हैं, कुछ कमलनाथ के पक्ष में हैं, और कुछ आम जनता का यही कहना है कि वे ये वक्त आने पर तय करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? किशोर। किशोर जी, आपके यहाँ उपचुनाव होना है, क्या मुद्दे हैं जिसको देख कर आप वोट देंगे, क्योंकि 2 साल पहले विधायक चुना था, आप फिर विधायक चुना? देखो, अब जैसा होगा वैसा करेंगे टाइम में। अच्छा, मतलब वक्त आने पर फैसला लेंगे। तो कमलनाथ या शिवराज? जो आएगा शिवराज। क्यों? तो काम सही है। तो ऐसे क्या काम किए जिससे आप मतलब नरे काम करें? ये हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की जनता है जो अलग अलग तरह से लोगों से बात कर रही है। कुछ जीवन यापन करने वाले जो ठेला लगाकर अपना जीवन बसर करते हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, कमलनाथ या शिवराज? हमको दोनों नहीं चाहिए। हाँ। क्यों? क्योंकि तो काम ही नहीं हुआ विकास हाड़ीपिया में। अच्छा, हाँ, तो ये देखिए, हम हर वर्ग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसान मिले वो भी, दुकानदार वो भी, और ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले राकेश से भी हमने बात की। ये साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि दोनों नहीं चाहिए साहब। और भी बात करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश ठाकुर है। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहता हूँ, मैं अतिथि शिक्षक हूँ। अच्छा, आपके लिए अतिथि शिक्षक हैं, इसी क्षेत्र के हैं, कमलनाथ या शिवराज? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी आचार संहिता के पहले अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर देते हैं हमारे बारे में तो हमारा जो पूरा संगठन है वो तो बीजेपी का साथ दे देगा, और अगर कुछ नहीं करते हैं तो फिर विरोध करेंगे। विरोध का तो कह ही रहे हैं, ग्वालियर में हमारा आंदोलन शुरू हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र में कितने अतिथि शिक्षक हैं? यहाँ लगभग 3,500 या 3,500 के लगभग होंगे, केवल हटपिपला विधानसभा में, आसपास सब दूर के। अच्छी बात है ना, ये है।
देखिए ये है हाटपिपलिया विधानसभा की तस्वीर। एक बार और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आप दिखाइए। या हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र साल 1977 में अस्तित्व में आई थी और उसके बाद लगातार 1985 में यहाँ कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बघेल चुनाव जीते और उसके बाद कभी कांग्रेस कभी बीजेपी यहाँ पर सत्ता में रही। इन सब के बीच में हाटपिपलिया की जो तासीर है वो हर दिन की तरह यहाँ पर लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और इन सब के बीच में देखना होगा कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की जनता जनादेश किसे देती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल, सोनी अनादि टीवी, हाटपिपलिया। अब इस सीट के समीकरण बदल गए हैं। हाटपिपलिया में जिन मनोज चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी, अब वो कांग्रेस से बगावत करके फिर इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राजवीर सिंह बघेल इस सीट से मैदान में हैं, लेकिन पिछला चुनाव हार चुके दीपक जोशी की नाराज़गी गाहे बगाहे अभी भी उभर कर सामने आ ही जाती है। वैसे बागली के बाद हाटपिपलिया सीट भी राजनीति के संत कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का कार्यक्षेत्र भी रहा है। दीपक जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के बाद भोपाल में तो नाराजगी खत्म होने की बात कहते नजर आए, लेकिन क्षेत्र में जाते ही कार्यकर्ताओं का दबाव उन पर भी आ जाता है। हाटपिपलिया सीट को लेकर कल एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था। दीपक जोशी अपने कई समर्थकों के साथ भोपाल आए और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लंबी चर्चा की और कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हाटपिपलिया के बारे में उनसे और बात करते हैं। प्रकाश जी, जो अभी हमने चीज़ें देखी हाटपिपलिया को लेकर, ये एक ऐसी सीट दिखी अब तक की हमारी चुनावी चौसर में जहाँ जहाँ भी हमारे टीम पहुँची, ये एक ऐसी सीट दिखी जहाँ पर कमलनाथ वर्सेज शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक पक्षीय मामला नज़र नहीं आ रहा। बाकी अधिकतर जगह ऐसा दिखा था कि शिवराज के पक्ष में एक लहर चल रही है, लेकिन यहाँ पर मतदाता समान संख्या में दिखे जिन्होंने कहीं कमलनाथ की बात कही, किसी ने शिवराज सिंह चौहान को, तो क्या ये एक सीट बहुत बड़े घमासान का पर्याय बनने जा रही है? रत्नाकर, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जहाँ पे भी गए थे तो मुझे लगता है कि कुछ अलग अलग हिस्सों में बटे हुए क्षेत्र है। एक जगह सड़क को लेकर नाराजगी थी, आपने दिखाया होगा कि सड़क जो है वहाँ पे बड़ा इशू बनी हुई है चुनाव का, और उसको लेके लोगों की दीपक जोशी के प्रति भी नाराजगी थी। तो मुझे लगता है अब सड़क का काम चालू हो रहा है बड़ी तेजी से, वहां पे सड़क बन रही है, लेकिन उस सड़क को लेके लोग बड़े वहां पे दुखी थे जो हाटपिपलिया जाने का रास्ता निवरी पाटे थे। बाकी कुछ लगे इस तरह से कि कुछ किसान भी कर्जे माफ हुए, साफ तौर पर कमलनाथ का पक्ष ले रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई अगर कमलनाथ फिर से सत्ता में आए तो हमारा 2 लाख रुपए तक का भी कर्जा माफ होगा। लेकिन इससे उलट जब हम हाटपिपलिया प्रॉपर शहर में जाते हैं तो वहां पे लोग शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में पलट जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वहां पे इस तरह का मामला। लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हो, तो कांग्रेस का वहां पे उम्मीदवार जो बनाया गया है वो एक अच्छा चेहरा है, अनुभवी चेहरा है, और मनोज चौधरी जातिगत समीकरण वहां के बड़े महत्व रखते हैं और जातिगत समीकरणों के आधार पे वहां पर चुनाव में हार जीत होती है। वहां पर राजपूत समाज है, वहां पर सेंधव समाज है, और सेंधव समाज के अलावा खाती समाज है। मनोज चौधरी जो पिछला चुनाव जीते थे कांग्रेस से, वो खाती समाज से आते हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो राजपूत समाज से है, और लेकिन सबसे बड़ी ज्यादा संख्या यहाँ सेंधव समाज की है। आप इस बात पे गौर करेंगे कि तेज सिंह सेंधव, आपने नाम सुना होगा, तो जनसंघ के जमाने से, जनता पार्टी के जमाने से बीजेपी उनको लगातार टिकट देती रही थी, और 2003 तक सेंधव समाज को यहाँ पर उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया था। बागली सीट आरक्षित होने के कारण दीपक जोशी, चूंकि कैलाश जोशी का गृह क्षेत्र हाटपिपलिया है, तो दीपक जोशी यहाँ पर 2008 में शिफ्ट हुए। 2008 और 13 का चुनाव उन्होंने जीता और 2018 में वो हार गए। लेकिन जातिगत समीकरणों में ब्राह्मणों का कोई बहुत बड़ा योगदान वहां नहीं था, तो मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर तेज सिंह सेंधव ने भी जिस तरह से कहा है कि वो चुनाव मैदान में आएंगे, अगर वो मैदान में आते तो यहाँ का गणित कुछ भी हो सकता है। जी जी, प्रकाश जी एक सवाल और था, अभी आपने जातिगत फैक्टर्स की बात की,
दीपक जोशी की नाराजगी को लेकर कहा जा रहा है कि कल भी जैसा हमने देखा भोपाल आकर उन्होंने बड़े लवाजमे के साथ आए और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। ये भी उन्होंने मीडिया से कहा कि भाई अब मेरे क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता तय करेंगे मेरा अगला मूव। दीपक जोशी का फैक्टर इस हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में क्या अहम भूमिका निभाने की तैयारी में है कुछ? देखिए, मुझे नहीं लगता दीपक जोशी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो। उनके पिताजी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। कैलाश जोशी की राजनीतिक शुचिता जो है पूरे सभी राजनीतिक लोग मानते हैं, दीपक जोशी उन्हीं के सुपुत्र है। लेकिन दीपक जोशी की राजनीति का पैटर्न कैलाश जोशी से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इसके बावजूद हार्ड कोर केडर के तौर पे दीपक जोशी की पहचान तो निश्चित तौर पर है। तो दीपक जोशी ने अपनी जो भी नाराजगी थी, जो उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराया और कोई रास्ता निकला। मुझे जो सूचनाएं मिली है उसके हिसाब से दीपक जोशी ने और उनके समर्थकों ने कहा है कि वो वहां पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ये थे प्रकाश भटनागर जी, अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ, जिन्होंने हाट पिपलिया के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। ये था 28 विधानसभा सीटों में से एक हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। हमने बताया कि क्या हाल है हाट पिपलिया की सियासत का और सियासी चौसर पर कितना दम लगा रहे हैं यहाँ भी राजनीतिक दल। उपचुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो वक्त के साथ देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही और फिर इसी कार्यक्रम में किसी और विधानसभा की सियासी चौसर के दांव पेच को लेकर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए रत्नाकर त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।